देते हैं जिनके बैटरीज इन गाड़ियों में लगती है। एक्साइड एक्साइड में हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी है और आज मैनेजमेंट की कॉन कॉल हुई है। दरअसल कंपनी लिथियम आयन बैटरी के बनाने के लिए एक प्लांट लगाने जा रही है। कितना निवेश करेगी, आगे की क्या योजनाएं, सर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सृष्टि बताइए, क्या अपडेट्स हैं आपके पास और मैनेजमेंट ने क्या कुछ कहा इस कॉन कॉल में? एक्साइट की अगर बात करें तो अच्छे नतीजों के बाद मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी पॉजिटिव आती हुई दिखी है, जहां पे सबसे पहले डिमांड को लेकर उन्होंने काफ़ी भरोसा जताया है कि आगे चल के ओईएम साथ ही अगर आफ्टर मार्केट की बात करें तो डिमांड कैचअप करती हुई नजर आएगी। मार्केट शेयर भी कंपनी गेन कर रही है, ऐसा भी उन्होंने बताया कॉन कॉल में। और मार्जिन को लेकर भी उनकी कॉमेंट्री पॉजिटिव है, जहाँ पे 11% पे इस बार हमने मार्जिन देखे, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री की बात करें तो 20-year low पे जाके मार्जिन हम देख रहे थे, वहाँ से सुधार देखने को मिल रहा है और आगे चल के 14% वो टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर इनके लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो कंपनी का कहना है कि दो चीज़ों पे फोकस रहेगा। सबसे पहले तो नेक्स्ट चार्ज, जिसकी ऑलरेडी असेंबली लाइनें कमेंस हो चुकी है, और दूसरा फोकस रहेगा ग्रीन फील्ड प्लांट का सेटअप करने के लिए, जिसके लिए आने वाले 8 से 10 साल में वो 6,000 करोड़ का केपेक्स प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पर जो फर्स्ट फेज है उसमें 4,000 करोड़ के निवेश की वो बात कर रहे हैं, जहाँ पे कंपनी जो उसको ऑपरेशनल है वो सेकेंड हाफ ऑफ FY25 तक करने की पूरी कोशिश करेगी। और इन्हीं सब पॉजिटिव फैक्टर्स के चलते आज हम एक्साइड में 2% से ज़्यादा की तेज़ी देख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया शशि। तो एक्साइड में 2% के आसपास की तेज़ी है, लेकिन तेज़ी आज 2% की है, लेकिन अगर महीने भर की बात करें तो ऑलरेडी ये 20-22% ये शेयर भाग गया है। अजीत, अच्छे प्लान से आगे की मैनेजमेंट को काफ़ी भरोसा भी है और बहुत नीडेड स्टेप भी है ये, क्योंकि ये वो सेगमेंट में अब उतरने जा रहे हैं या फिर अपने कोशिशें और ज़्यादा मजबूत करने जा रहे हैं जहाँ से आगे बिजनेस अब ड्राइव होने वाला है। एक्साइड अभी भाव के हिसाब से आपको कैसा लग रहा है और क्या ये जो तेज़ी बनी है ये तेज़ी अभी ऐसे ही जा रही रहेगी या फिर अब अपने रेजिस्टेंस के आसपास कहीं शेयर जा रहा है ये? हाँ, तो अभिषेक, सबसे पहले एक डिस्क्लोजर कि हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रखा है, जहाँ पे कि शॉर्ट टर्म का हमारा टारगेट 198 पे है, करीब 173-174 के अराउंड पे हमने रिकमेंड किया था स्टॉक को। वहाँ से काफ़ी अच्छा मूव ऑलरेडी हो चुका है, बट मेरे हिसाब से ये शॉर्ट टर्म टारगेट्स ही हैं 198 के। इसमें काफ़ी बड़ा रिवर्सल हुआ है अभिषेक, बिकॉज 4 साल के एक करेक्टिव फेज को आप देखेंगे, जो कि रिकॉर्ड हाइज करीब करीब इसने 2018 में 287 के अराउंड पे बनाए थे, उस ट्रेंड को इसने रिवर्स किया है। तो मेरे हिसाब से इतनी जल्दी फेड आउट होने वाला नहीं है, ये एक पहला पड़ाव जरूर होगा 198 का, उसके बाद करीब 215-220 तक के लेवल्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी आप, अगर आपका टाइम होराइजन 1 से 2 महीने का है, तो यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं, और आपका स्टॉप लॉस आप 170 का होना चाहिए, उसके नीचे अगर क्लोज करेगा तब जाके ट्रेंड रिवर्स होगा या फिर दोबारा से रेंज में चला जाएगा, अदरवाइज पॉजिटिव बायस बना रहेगा स्टॉक में। ठीक है, एक्साइड में पॉजिटिव बायस यानी कि तेजी का जो रुख है वो बना रहेगा। ठीक है, चलिए।